मालवा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कावड़ यात्रा कही जाने वाली बाणेश्वरी कावड़ यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 21 जुलाई सोमवार से होने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ा कर की जाएगी। इससे पहले 21 जुलाई को 1 बजे महेश्वर के लिए 2000 कावड़ यात्री बस से रवाना होंगे। यात्रियों के लिए जो शिविर बनाए गए हैं वहां पर प्रतिदिन 1 घंटा योग एवं ध्यान, सुखद वर्षा की प्रार्थना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश के साथ भजन संध्या, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के आयोजन किए जाएंगे। इस वर्ष यात्रा में 21 फीट ऊंचे नंदी और उतने ही बड़े शिवलिंग पर विराजित महाकाल और इको फ्रेंडली गणेश, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और कुछ झांकियां और खुले रथ पर सवार भजन गायकों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेंगी। पूरा समय रामायण पाठ और भजन मंडलियां साथ रहेंगी। यात्रा 175 किलोमीटर की है और ये यात्रा 7 दिन में पूरी होगी। यात्रा के संयोजक गोलू शुक्ला ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से लगातार धर्म जागरण समिति के तत्वावधान में समाज सेवी ब्रह्मलीन पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला काकाश्री की पुण्य स्मृति में बाणेश्वरी कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसमें प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। इस वर्ष यात्रा में शामिल होने के लिए 2100 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं, जिनमें 7 से 70 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हैं। 21 जुलाई को विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गोड़, उषा ठाकुर, जयपाल सिंह चावड़ा, पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला, शंकर लालवानी और कैलाश शर्मा के आतिथ्य में दोपहर 1 बजे महेश्वर के लिए बस से यात्री रवाना होंगे और 22 जुलाई को 500 लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर 1100 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई जाएगी। इसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर के लिए मां नर्मदा का जल लेकर पैदल प्रस्थान किया जाएगा। बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में कावड़ यात्री 22 तारीख को गुजरी, 23 को मानपुर, 24 को महू, 25 को इंदौर, 26 को रेवती रेंज, 27 को पंत पिपलई से खान बड़ोदिया और 28 जुलाई को उज्जैन पहुंचेंगे और 29 जुलाई को सोमवार सुबह 4 बजे भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर प्रदेश में सुखद वर्षा एवं सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।